मूवीज़ में अगर डायलॉग नहीं हो तो पिक्चर में मज़ा नहीं आता, उसी तरह चुनाव से पहले वादे ना हो तो भी मज़ा नहीं आता। अब वो वक्त आ ही गया है जब साल साल भर आपको ना पूछने वाले नेता आपके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े होंगे। और सबसे बड़ी बात, इस बार तो कोरोना भी इनको रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ सुषमा चौधरी। नामांकन के बाद अब जयपुर में जोरों शोरों से नगर निगम चुनावों का प्रचार हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी की तकरार रैलियों से प्रारंभ हो चुकी है। जहां एक तरफ बीजेपी बढ़ चढ़ के प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आमेर विधानसभा का दौरा कर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और साथ ही कार्यालयों का उद्घाटन भी किया। सतीश पूनिया अपनी जीत का डंका बजाने के लिए कांग्रेस को बखूबी चपेट में ले रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं सतीश पूनिया। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से लेकर तमाम, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब यू टर्न लेती है, इसका मतलब वो पाखंड कर रही है, किसानों को भ्रमित कर रही है। उनसे हमने कई बार पूछ लिया कि आपने 10 दिन में किसानों का पूरा कर्जा क्यों नहीं माफ किया। ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है और वो स्टंट इसलिए है कि सोनिया गांधी देश के किसानों की हालात नहीं सुधारने देना चाहती, और सोनिया गांधी तभी खुश होगी कि जब ऐसे कानूनों का जो मोदी की सरकार ने प्रोग्रेसिव कानून लाए उसका कोई विरोध करेगा। अशोक गहलोत इसमें जरूर सोनिया जी की निष्ठा व्यक्त करने के लिए, उनके प्रति अपनी भक्ति को जाहिर करने के लिए इस तरीके के कानूनों के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं, जो कि जायज नहीं। अब इसके बाद भला कांग्रेस भी कैसे शांत बैठ सकती है। कांग्रेस की ओर से महेश जोशी भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने पहुंचे और सभी को एकजुट होकर काम करने की सलाह दी। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने ईमानदारी की बातें कर लोगों का दिल जीता। जैसा कि आपने देखा कैसे बड़े बड़े नेताओं ने नगर निगम चुनावों में हिस्सा लेकर चुनावों का महत्व दुगना कर दिया है। चुनावी माहौल है साहब, अब तो बड़े बड़े नेता क्या, बड़े बड़े सितारे भी आपको ज़मीन पर दिखेंगे। आसान शब्दों में कहूँ तो चुनावी प्रचार करते हुए दिखेंगे। अब देखना ये है कि पार्टियों की इस रस्साकसी में जीत किसकी होती है। ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को।